फिर कह रहे हैं, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। इसलिए कहा भाई, जो जहां धर्म का अनुष्ठान कर रहा है उस समझ ले कि धर्म अनुष्ठान का फल यही है कि भाई भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान में प्रीति का उदय हो जाए। आज आज इस चर्चा से एक बात हमको लेकर जानी है, कुछ ना कुछ तो हमको चुनना चाहिए ना, हम इतना सुन रहे हैं तो कुछ चुनना भी चाहिए। आज एक बात प्रयास पूर्वक यहां से लेकर जानी है कि भाई हमें जब अनुभव होगा तभी हमारे भजन में निरंतरता आएगी, तभी भजन सहज होगा जब प्रभु के स्वरूप का स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। और ये जो वार्ता है, उस अनुभव के लिए जो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति चाहिए, ये वार्ता जो है ये वो प्रसाद देने में समर्थ है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। कह रहे इसलिए भाई लगे रहिए भगवान में। कैसे लगे रहिए? तो उसका कह रहे हैं नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधन। अभी आपको मैं बता रहा था ना, संतों के जीवन से यही सीखने को मिलता है। मैं आपको प्रातस्मरणीय श्री पंडित बाबा की बात बता रहा था, गिरिराज जी वाले श्री गया प्रसाद जी महाराज, मतलब ऐसे लगे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी लीला का दर्शन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं। इसी को अभ्यास कहते हैं, जो गीता में भगवान ने अभ्यास कहा ना, इसी को अभ्यास कहते हैं। भाई किसी भी तरह मन को प्रभु के निकट बनाए रखने का अभ्यास करना है हमको। शरीर जिस क्रिया में लगाए लगा रहे, भजन को तन से अधिक मन की आवश्यकता है। संसार के व्यवहार को मन से अधिक तन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार का सुख स्थूल है। जो आपसे सुख चाहता है वो भी वस्तुतः आपके तन से ही सुख चाहता है, लेकिन लेकिन भजन में तन से अधिक आवश्यकता मन की है। तन बिगड़ा हो भजन में चलेगा, मन स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन संसार में अगर तन बिगड़ जाए, अब आप कहिए किसी से, हमारी इच्छा तो बहुत है, हम आपकी खूब सेवा करें पर कर नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर इस योग्य नहीं है। एक दो बार तो वो आपकी बात सुनेगा, बोले अब कर नहीं सकते तो बार बार कहते क्यों, हटो, तुम्हारा ये गाना थोड़ी सुनते रहेंगे, हमें तो अपना काम कराना है, तुमसे नहीं होगा तो किसी और से कराएंगे। धर्म पत्नी कितनी भी प्यारी हो, बीमार पड़ जाए और डॉक्टर कहे कि भाई ये तो बड़ा भयंकर रोग है, तो साल 6 महीने में सब प्रेम प्यार हवा हो जाता है और उसके बाद तो व्यक्ति मन ही मन मनोरथ करने लगता है कि कब पिंड छूटे। कहता ये है कि प्रार्थना करने आए हैं, भगवान की कृपा हो इनको मुक्ति मिले, वस्तुतः इनको नहीं स्वयं को मुक्ति चाहता है जीव, स्वयं को मुक्ति मिले तो मन स्वस्थ हो। यहां पर तन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, मन लगा रहे किसी ना किसी प्रकार, मन को ही प्रभु के सानिध्य में पहुंचाना है और ये काम कथा करती है। तभी मैंने आज आरंभ में ही कहा बिगड़ा मन सुधार देती है कथा। संत कह रहे, संतों के जीवन का अनुभव है, वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं और तुलसी बाबा की लेखनी से कहला कौन रहा है, महादेव ये बात कह रहे हैं, बिन सतसंग न हरी कथा ते ही बिन मोहना भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। यहां दो बात कही गई है, मेरे नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन और ध्यान आराधन। श्रवण कीर्तन करते रहोगे तो भगवान का ध्यान होने लगेगा। 2 दिन पहले हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे ना, श्रवण करते रहोगे तो क्या होगा, कीर्तन करने की इच्छा होगी, मन को आनंद होगा ना, श्रवण से मन को आनंद उल्लास मिलता है, कीर्तन करने की इच्छा होगी। श्रवण कीर्तन करते रहोगे
तो भगवत स्मरण होने लगेगा, भगवान की याद बनी रहने लगेगी, और जब स्मरण से भगवत सानिध्य का किंचित अनुभव होगा। आपको एक और छोटी सी प्यारी सी बात कही थी मैंने, जब प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है तब इच्छा होती है कि ये हमारे हो जाएं, और जब प्रभु के स्वभाव का अनुभव होता है तब इच्छा होती है हम इनके हो जाएं, ये किसी के भी हो हम इनके हो जाएं। और श्रवण कीर्तन और स्मरण से शनै शनै पहले प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है, फिर प्रभु के स्वभाव का अनुभव होता है। तो यहां सूत जी ने भी ये साधन बताए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। हाँ, एक बात वे सभी सयाने एक मत हैं, उसमें किसी का दो विचार दो मत नहीं है, और वे कि पहली भक्ति श्रवण ही है। सेवक जी ने भी यही कहा, श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयो। कालाक्षेप कैसे करना है, समय कैसे बिताना है, मेरे तीन साधन हैं, श्रवण कथन सुमिरन परतीति। अभी इनकी महिमा समझना, पहले तो अपने जीवन का सही सही मूल्य जानिए। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान, पहले तो अपने जीवन का मूल्य समझिए। कल भी आपको मैंने निवेदन किया, आज मैं पुनः संकेत कर रहा हूं, जब तक आप अपना सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक अपनी कीमत नहीं जानेंगे, जब तक अपना मूल्य नहीं पहचानेंगे, तब तक जीवन सतपथ पे नहीं आएगा। लगे रहोगे व्यर्थ में, मिथ्या में, असत में। तो सबसे पहले इसीलिए जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो कह रहे भाई सबसे पहले आवश्यकता है आत्म परिचय की। ज्ञानी लोग इसे आत्म परिचय कहते हैं, हमारे यहां रसिकों ने इसे अपने सरल शब्दों में कहा, प्रथम ही भावुक भाव विचार है। वहां श्री जी का स्वरूप और श्री जी का ध्यान बाद में हो रहा है, पहले कहा है भूषण बसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे, तिये के तन को भाव धर सेवा हित सिंगार। मेरे पहले अपना श्रृंगार करे, और किसका श्रृंगार करना है, इस हार्ड चाम के देह का श्रृंगार नहीं करना है, वो जो भाव देह है उसको सजाना है, उसको श्री जी की सेवा के योग्य बनाना है। अरे जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। ज्ञानी उसको आत्म परिचय कहता है, आत्म चिंतन कहता है, आत्म विश्लेषण कहता है। यहां हमारे रसिकों ने इसे इस प्रकार से कहा, बात एक ही है, पहले अपना मूल्यांकन करे, पहले अपना परिचय तो पाए, मैं कौन हूं। जब तक अपने आप को स्त्री पुरुष माता पिता भाई बंधु समझते रहोगे तब तक भजन नहीं हो सकता। सरल शब्दों में अगर मैं आपको कह दूं, जब तक आप अपने आप को यही सब जानोगे मानोगे, जब तक अपनी यही पहचान है आपको कि मैं शरीर हूं, किसी का माता हूं, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बंधु, तब तक भजन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जैसे दीक्षा स्त्री पुरुष की ना होके जीवात्मा की होती है ना, ऐसे प्रभु का भजन भी स्त्री पुरुष ना करके कोई जीवात्मा करती है। प्रभु ने ही कहा, सनमुख होई जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघनासी तर। अगर लक्ष्य विषय भोग है तो भी शरीर से बड़ा पिंजरा और कोई भी नहीं है भाई, शरीर से बड़ा बंधन और कोई भी नहीं है। और संतों ने तोड़ा है ये पिंजरा, काटा है ये बंधन। महाराज जी, आप उस दिन मुझे बता रहे थे स्वामी जी महाराज की बात, कि उन्होंने अपने पत्रों में स्थान स्थान पर ये बात कही कि तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, तुम किसी भी काल में देह नहीं हो। स्वयं को शरीर मानते ही सारी विपदा सिर पर टूट पड़ेगी। हाँ, ये बात दूसरी है कि वेदांत ने चिंतन कहीं और किया, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमने चिंतन किया कि प्रभु हम आपके हैं, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अहम तवास्मि, मैं देह नहीं हूं पर मैं हूं। तो फिर यदि मैं देह नहीं हूं तो मैं कौन हूं, क्या हूं? प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, मैं आपके चरणों का दास हूं। मीरा दासी जन्म जन्म री, अनेक बार कहा मीरा जी ने, मीरा दासी जन्म जन्म री।
सूर अपने आप को दासी कहते हैं, रैदास, सूरदास, कबीरदास, ये अपने स्वरूप में स्थित हैं, हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं। और जैसे प्रभु की कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, ऐसे भगवान के सेवक की भी कोई जाति कोई वर्ण नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का है वो बस भगवान का है, यही उसका परिचय है और यही वास्तविक परिचय है। इसी पते पर भगवान का संदेश आता है, ध्यान रखना। जिस दिन ये पता हो जाता है ना, मैं भगवान का हूं, प्रभु का हूं, तभी भगवान का संदेश आता है। प्रभु संदेश भेजेंगे तो आपका कोई पता भी तो होना चाहिए ना, किसी माता के पास, पिता के पास, स्त्री के पास, पुरुष के पास भगवान का संदेश नहीं आता। भगवान का संदेश तो किसी जीव के पास आता है, जो प्रभु का है उसके पास संदेश आता है। त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते, आपकी हैं हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हम आपकी हैं। और बस तब मिले श्री कृष्ण, जब पता ठीक हो गया, जब उद्धव जाने लगे तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी ने पूछा कि आपका कोई संदेश, तो गोपियों ने कहा पतियां तो मैं तब लिखूं जब प्रीतम होए विदेश, हमें कोई संदेश नहीं देना, फिर भी शिष्टाचार है, तुम पूछ रहे हो तो हम उनसे इतना ही जाकर कह देना कि जैसी है बिहारी पर दासी तो तिहारी है, आपकी है प्रभु और आपके चरणों की दासी है, बिना मोल की दासी है। सुरत नाथ ते शुल्क दासी का वरद निघ्न तो नेह किम बल। तो अपने मन को प्रभु के निकट बनाए रखने का अभ्यास करना है, और इस अभ्यास में सहायक कौन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इसी का अभ्यास करना है। पहले तो अनेक अनेक साधन के नाम पर जो अनेक अनेक प्रकार के बिखराव भटकाव है हमारे जीवन में, पहले तो वो सबको हटाना है। प्रभु की कथा सुनेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, भगवान को सदा स्मरण रखने का अभ्यास करेंगे, प्रभु याद रहे। मैं तो अनेक अनेक बार आपको कहता हूं ना भाई, सार की बात यही है कि बस प्रभु की याद बनी रहे। एक प्रेमी का हृदय और क्या चाहता है, एक प्रेमी का हृदय और क्या चाह सकता है। बाबा फरीद एक स्थान पर कहते, कह रहे यार याद रहे हरदम, पुल जान दा की कम, बस याद रहे। और वो याद इतनी गहरी हो जाए, वो याद इतनी गहरी हो जाए कि जब गोपी की आंख थोड़ी देर के लिए लगती है तो भी वो क्या कहती जगती है, रात शाम सपने में देखे भरिया नैन ढुरक गयो कजरा शाम बिना उमगे ये बदरा, रात शाम सपने में देखे भरिया नैन ढुरक गयो कजरा शाम बिना मुगे पदरा। ऐसी याद, मुझे वो पंक्तियां इस समय स्मरण नहीं आ रही, सहजोबाई जी ने अपनी दो पंक्तियों में कहा कि जागत हूं सुमिरन करे और सोवत हूं लिव लाए, शायद कुछ ऐसे ही शब्द हैं, जागत हूं सुमिरन करे सोवत हूं लिव लाए। इसी के उत्तरार्ध है कि तार टूट नहीं जाए। मैं कह रहा हूं और प्रेमी हृदय क्या चाहता है, क्या चाह सकता है, बस अपने प्रेमास्पद की याद बनी रहे। स्मरण वास्तविक सानिध्य है,
भगवान का सानिध्य क्या है, भगवान का जो स्मरण है ना वो भगवान का सानिध्य है। और अगर आपको रहना है सतत भगवान के पास तो वो यही विधि है कि बस यार याद रहे हरदम, प्रभु का स्मरण बना रहे, याद बनी रहे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सतत स्मरण आपको कोई सुख देगा, ना सतत स्मरण आपको सुख दुख से न्यारा कर देगा। फिर आप ना सुख में हैं ना दुख में हैं, फिर तो आप प्रभु की याद में हैं, फिर तो आप प्रभु के भाव में हैं, और वहां ना सुख जाता है ना दुख जाता है। चांद सूरज तहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा। अगर अगर श्री कबीर जी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष नहीं होते कौन पता बताता वहां का, वहां जाकर तो कोई लौट कर नहीं आता है ना। संतों ने यही अनुभव किया, साईं की नगरी परम अति सुंदर तहां कोई जाए ना आवे, चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचावे, को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे, नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैं कह रहा था ना कि प्रारब्ध तो भक्त अपना भोगता ही है, पर जब इच्छा नहीं होती ना संसार की, जब संसार की इच्छा नहीं होती, संसार से कोई इच्छा नहीं होती, फिर संसार में और संसार से बंधन भी नहीं होता। जब अनुभव होता है वहां का, उस देश का जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, जब उस देश का अनुभव होता है ना, फिर वो अनुभवी हृदय सुख दुख दोनों से न्यारा हो जाता है, दोनों से पार। वो तो केवल देखता है, जैसे समंदर के किनारे खड़ा कोई समुद्र में उठती लहरों को केवल देखता है ना, ऐसे बस वो देखता है कैसे संसार समुद्र में दुख सुख की लहरें उठती हैं और दोनों शांत हो जाती हैं। एक और बात, दो बातें हैं। केवल दृष्टा बनकर ही लहरों से अछूता रहा जा सकता है। कोई समुद्र में जाकर और सोचे कि भाई वो क्षण आएगा जब लहरें शांत हो जाएंगी, ऐसा समय कभी नहीं आता है। समुद्र में लहर तो सतत उठेगी, ऐसे संसार समुद्र में दुख सुख की लहरें तो सतत उठती रहेंगी। अगर न्यारा होना है तो फिर सुख दुख दोनों से न्यारा होना पड़ेगा। तभी उस दिन आपको मैंने कहा था, ऐसा नहीं समझना कोई कोई घड़ी कोई समय आएगा जीवन में जब सब दुख दूर हो जाएंगे, ना ना ना, होगा तो सुख दुख दोनों ही दूर होगा। पिंड छूटेगा तो फिर दोनों से ही छूटेगा, एक को केवल एक को आप अपने पास नहीं रख सकते, रहेंगे तो दोनों रहेंगे। अब आपको चयन करना है, या तो जीवन में सुख दुख दोनों रहेंगे। और ध्यान रखना एक और बात, अपनी ओर से आपको बता देता हूं, जिसको मैं सुख कह रहा हूं वस्तुतः वो सुख है नहीं, उसके भीतर भी लिपटा हुआ दुखी है। हम राग द्वेष की बात कर रहे थे, राग क्या है? जिस इंद्रिय ने सुख भोग किया वो उस सुख में फिर आसक्त हुई, उस सुख में आसक्त हुई, उसको भोगने का फिर प्रयास किया, और जब वो नहीं मिला तब दुख मिला। तो सुख के रूप में भी दुख ही है, दुख के रूप में तो दुख है ही। जब जब दृष्टा बन के देखोगे, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, तब तब सब ये बात अनुभव होगी, भाई ये दोनों लहरें उठ रही हैं और उठती रहेंगी, उठती रही हैं और उठती रहेंगी। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा है, कौन क्रम काल निकंद्या, भाई उसके बीच में खड़ा होके कोई सोचे ना कि कोई घड़ी आएगी जब लहरें शांत हो जाएंगी फिर अपना कार्य करूंगा, ना ना ना, ऐसा समय नहीं आता है। इसलिए हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करिए। अरे बिना ही कष्ट के ये रस सिंधु का पान करने का अवसर मिल रहा है, देर मत करिए। तो एक बार फिर से मैं जहां से हमने आरंभ किया, ताकि आज का सूत्र ध्यान में रहे कि सतत निरंतर भजन कब होगा, जब अनुभव होगा। किसका अनुभव? प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के स्वभाव का अनुभव।
उस अनुभव के लिए क्या चाहिए? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। और वो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति कहां से प्राप्त हो सकती है? श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का प्रसाद प्रदान करती है। और ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति है उसको जीवन में लाने की विधि क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का अभ्यास कैसे करना है? श्रवण से, कीर्तन से और स्मरण से। ऐसे उठते बैठते चलते फिरते नाम जप नहीं हो रहा हो तो गा लो, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, राधे माधवा। एक और बात, अगर 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 कोई लहर उठेगी हृदय में आनंद की तो नाचे गाए बिना रह ही नहीं सकते। जिसने ठीक से श्रवण किया है, वो ध्यान से सुनना, जिसने ठीक से श्रवण किया है वो बिना कीर्तन के रह ही नहीं सकता, वो तो कीर्तन करेगा ही करेगा। ऐसा संतों के मुख से हमने सुना, हनुमान जी हैं, महादेव हैं, भगवान की कथा के रसिक हैं। वैसी कथा श्रवण करते करते, प्रभु की लीला का विचार करते करते कभी तो समाधि में पहुंच जाते हैं और कभी हाथ में करताल लेकर उन्मत्त होकर नाचने लगते हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम असत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। हित की कृपा क्या बताई है सेवक जी ने। नवम प्रकरण में श्री सेवक जी जब कृपा और अकृपा की बात करते हैं ना, तो कृपा का एक यही लक्षण तो बताया, छिन गावत आनंद भर, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हहर हसंत, एक क्षण में रोता है, एक क्षण में हंसता है, एक क्षण में गुण गाता है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। यही बात तो मैं आपको उस दिन कह रहा था कि यहां तो भाई व्यासपीठ की मर्यादा है ना, पर घर में कभी कभी ऐसी संतों की कृपा से जब ऐसी लहर उठती है तो मैं तो नाच नाच के कूद कूद के कहता हूं, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं। और भाईसा ने यही शब्द कहे हैं, नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गोमा का को, क्योंकि उस समय बड़ी कठिनाई थी, उस समय बड़ी कठिनाई थी, भारत के सर्वश्रेष्ठ राजकुल की सबसे बड़ी पुत्रवधु है मीरा, भावी साम्राज्ञी है वो, कितने कठोर नियम थे उस समय। एक ही पंक्ति से समझ आ जाता है कि राजपूतों की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा भी नहीं देख सकते थे, ऐसा समय था। और ऐसे समय में पहन के कसूबी साड़ी, बांध के पांव में घुंघरू, यानी घुंघरू का छूना भी निषेध था उस समय। एक कुलीन परिवार की स्त्री घुंघरू को छू भी नहीं सकती थी उस समय, बांध कर पांव में घुंघरू। तभी तो मीरा जी ने स्वयं कहा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। अरे कुल की मान मर्यादा, कुल का गौरव नष्ट करने वाली बहू आई है हमारे यहां, सास कहे कुल नासी रे। बांध कर पांव में घुंघरू, हाथ में लेकर करताल कसूबी सारी, और साधु संतों की भीड़ में कह रही है, राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या निमाई। ऐसा अनुभव तो मुझे नहीं है, पर उनकी कृपा से ऐसे थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि वो कैसा आनंद होगा। क्योंकि भाई वो जो आनंद जन्य जो विवशता है वो आपको रुकने नहीं देती, वो आपको बैठने नहीं देती, वो आपको थमने नहीं देती, वो आपको ठहरने नहीं देती। नाच नाच हरि गुण गास्या
कहीं कर गुमाका को। राणा जी कहते हैं कि भाई कुछ भी करें पर अपने महल में रहकर करें, पर मीरा कह रही है जो जो आप कह रहे हैं नहीं करना, वो करना तो मेरी विवशता है, उसको किए बिना तो मैं नहीं रह सकती। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गुमा का कोई, नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गुमा का कोई, नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गुमा का कोई, सूतर गदा नहीं चढ़ सा, सूतर गदा नहीं चढ़ सा। मीरा कह रही है मेरे गुरु ने मुझे हाथी पर बैठाया है, और मीरा को गुरु मंत्र यही मिला था बेटी हरिगुण गाना, और जो हरिगुण गाएगा वो बिना नाचे कैसे रहेगा भाई, उसका तो रोम रोम आनंद में भरेगा। जो भगवान का गुण गाएगा, जो आनंद कंद का गुण गाएगा, सूरदास कह रहे सूरदास प्रभु तुमरी कृपा ते पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो गुण गाएगा वो बिना नाचे कैसे रहेगा। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गुमा का कोई, नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं गज सूतर गदा नहीं चढ़ सा, गज सूतर गदा नहीं चढ़ सा, होनी हो सो होए मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग कटक परी मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग कटक परी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई। इसी स्थिति का संकेत प्रभु ने किया है। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं ना, सबके ममता ताग बटोरी। अच्छा देखो, भगवान ममता को नष्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ममता तो बड़ी प्यारी वस्तु है, भजन का आनंद ममता से ही तो है। जब प्रभु में ममता हो तो भजन का सुख है, प्रभु में आसक्ति हो तो भजन का सुख है। कुंभन दास जी को आसक्ति है गोवर्धन नाथ के रूप में, देखे बिना नहीं रह सकते, थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा तो अरे केतिक दिन जो गए बिन देखे, अरे जो पे चौप मिलन की हुई। ममता तो बड़ी प्यारी वस्तु है, प्रभु कह रहे सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो यहां वहां ममता है ना, इसको समेट लीजिए, ये सिमटी हुई ममता गा रही है। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई, वस्तु मिल जाए यहां पर तो देखा जाता है पांव जमीन पर नहीं पड़ते, और कोई जीवन मुक्त हो जाए वो बिना नाचे रह जाएगा, वो बिना गाए रह जाएगा, अरे उसका आनंद तो उसके रोम रोम से झरता है।
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं मेरो कबीर जी जब भजन करते तो मनुष्यों ने क्या देवताओं ने भी विघ्न उपस्थित करने के प्रयास किए। एक दो बार किसी अप्सरा को भेजा तो कबीर जी ने कहा तुम घर जाओ हमारी बहना, यहां तुम्हारा लेना न देना, यहां तुम्हारी दाल गलेना, तुम जाओ। मैं तो कहता ही हूं आपसे भाई, माया अपना कार्य अंत तक करती है। व्यास जी कह रहे संत सभी गुरुदेव है, गुरु वही होता है जो मंत्र दे। हमने तो भाई सब संतों से मंत्र लिया है, ये मंत्र हमको मीराबाई सा से मिला। कभी आ जाए माया मौसी अपनी टोकरी में कुछ लेकर, हम दो चार पांच बार यही मंत्र पढ़ देते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना जिस नाम को जिस गुण को गाने में ऐसा आनंद मिले, कौन अभागा होगा भाई जो उससे वंचित रहना चाहेगा, जो उससे दूर रहना चाहेगा। एक बार किसी सच्चे संत के मुख से भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए, फिर तो कौन है भाई जो उससे दूर रह सके। दो बार काकबुसुंडी जी ने कथा को विश्राम दिया, फिर गरुड़ जी कुछ पूछ लेते, फिर गरुड़ जी कुछ पूछ लेते। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा आनंद मिल रहा है सत्संग में, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हुई, ऐसा आनंद मिल रहा है गरुड़ जी को। इच्छा यही है कि बस ये सुनाते रहे और हम सुनते रहे, ये कथा वार्ता, ये धारा निरंतर बहती रहे। कहने वाले का भी जीवन सफल, सुनने वाले का भी जीवन सफल। तो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का अभ्यास कैसे करना है? अनेक अनेक विधियां हो सकती हैं। हमारे लिए मार्ग क्या है? श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। एक छोटी सी बात कल आपको मैंने कही थी, फिर दोहरा रहा हूं मैं, कि भगवान कान के ही रास्ते सबसे पहले जाएंगे, भीतर हृदय तक पहुंचेंगे कान के मार्ग से होते हुए। उस मार्ग को मैला नहीं करना है। संसार की व्यर्थ की विषय की वार्ता का श्रवण करके उस मार्ग को मैला नहीं करना है। आप ध्यान रखना, आपकी चेतना पे सबसे गहरा और सबसे गंभीर प्रभाव शब्द का होता है, दृश्य का नहीं, शब्द का। ये ज्ञान विज्ञान प्रत्येक दृष्टि से सिद्धांत है। आपकी चेतना पर सबसे गहरा प्रभाव जो है वो किसी दृश्य का नहीं है, शब्द का है। इसीलिए शस्त्र से किया गया घाव वो भर जाता है, पर शब्द से किया गया भाव कभी कभी नहीं भरता है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत भीतर तक है। आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल तक पहुंचता है शब्द। इसीलिए विषय वार्ता का श्रवण नहीं करना,
कान से संसार नहीं जाने देना भाई, पहले ही भरी है हमारी तो झोली संसार के सुख दुख से, और कितना इकट्ठा करोगे, जो पहले बिखरा है भाई अभी तो वही सिमटने में नहीं आ रहा, और कितना बिखरोगे और कितना भटकोगे। सुनते रहोगे संतों की बात कि बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए, और नहीं तो भाई ध्रुवदास जी भी प्रत्येक सिद्धांत की बात कह के फिर अंत में यही कह देते हैं कि भाई हमने तो अपने मन की बात कह दी, अब जिसको रुचे जिसको अच्छी लगे वो ले ले, नहीं तो अपनी आप जाने। नहीं तो भाई ये संसार कांटों की बाड़ी और उलझ उलझ मर जाना है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य कोना कुर्यात् कथारतिम। जो बात हम कह रहे हैं वही बात संयोग से यहां पर श्री सूत जी कह रहे हैं, बोले कर्म की ग्रंथि, कर्म की जो गांठ है बोले बड़ी कड़ी है, ये बड़ी कड़ी है। ये विचारवान पुरुष जो हैं इस कर्मों की गांठ को काट देते हैं, कैसे? कह रहे भगवान के स्मरण से, प्रभु को याद कर करके कट जाता है कर्म का बंधन, कट जाता है। तभी कबीर जी ने कहा है कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु क्या करता है? यहां कुछ जादू कुछ करामात दिखाने की बात नहीं हो रही है, गुरु करे सो होए। अच्छा एक और बात यहां समझ लेना, दो तीन बार मेरे को भी ऐसे ऐसे लोगों के पत्र आए, घर में कोई परेशानी हो गई, घर में कोई संकट आ गया, फिर नीचे ये लिख कर दे रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। अब ये बात क्या है, ध्यान से समझनी चाहिए। गुरु किसका होता है? गुरु तो जीव का होता है। जीव किसका है? जीव भगवान का है। ये कोई भी बात संसार के सुख दुख को दृष्टि में रखकर नहीं कही गई है। जीव का दुख क्या है? स्त्री पुरुष का दुख कुछ और है, माता पिता भाई बंधु का दुख कुछ और है, जीव का दुख क्या है? जीव का दुख है कि वो भगवान से बिछड़ गया है। गुरु आता है जीवन में जीव का दुख दूर करने के लिए, वो जो प्रभु से उसकी दूरी है उसको मिटाने के लिए गुरु आया है। इसीलिए कहा कि कर्ता करे ना कर सके, यहां कर्ता का अर्थ ब्रह्मा है, जिसने सृष्टि की रचना की है, बोले वो कर सके ना कर सके, वो विधि का लेख मिटा सके ना मिटा सके, पर गुरु करे सो हुए। गुरु क्या करेगा? गुरु भगवान का नाम देगा, गुरु प्रभु की स्मृति कराएगा, गुरु लगा देगा जीवात्मा को भगवान के भजन में स्मरण में, और उसका फल क्या होगा? कर्म का बंधन कट जाएगा। ब्रह्मा तो कर्म का बंधन नहीं काट सकते, पर गुरु ने कोई ऐसी विधि ऐसी युक्ति दे दी जिससे कर्म का बंधन शिथिल पड़ गया, कट गया। कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। इसीलिए कहा गुरु करे सो होए। तो कह रहे ये बात तो ठीक है कि भाई कर्म की गांठ बड़ी कड़ी है। विगत एक दो दिन से हम बार बार इस भाव पर चर्चा कर ही रहे हैं कि एक एक जन्म में जितने कर्म कर लिए जाते हैं उनसे इतना फल संचित होता है कि आप एक जन्म में उनको नहीं भोग सकते। कई जन्म कर्म का भोग है, जो प्रारब्ध है वो बना रहता है, और फिर अगला कर्म भी होता रहता है। और जो असावधान है, जिसके जीवन में मान लीजिए सत्संग नहीं है सद्विचार नहीं है, वो असावधान जीव तो अपने लिए सुख दुख का बोझा बढ़ाता ही चला जाएगा, उसके तो कर्म का और कर्म बंधन का कभी अंत आएगा ही नहीं। इसीलिए इसे दुष्चक्र कहा, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। देखो अंत में तो भगवान शंकराचार्य को भी यही आना पड़ा ना, आरंभ किया ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, पर सब सब प्रकार की बात कहने के बाद अंत में यही आए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भाई भगवान का भजन करो,
निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन मिटई नहीं क्लेसा। बस ये सार की बात है, अनुभव की बात है, ये करिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां से मिली, बोले है तो कर्म का बंधन बड़ा बड़ा कड़ा, छुड़ाए छूटता नहीं, पर उसको छुड़ाने वाली वस्तु एक है। इस मैल को धोने वाला जल क्या है? कृपा जल दे, नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो, मोहि आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, थोए जाते तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा। चार की बात है भाई, प्रभु के सन्मुख जाओ और इतनी बात कहना, थोड़े में अपनी बात कह देना। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण जपत सुख पावा, नानक नाम 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 जपत सुख पावा, सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण कि जीवन में जो आनंद है उसके मूल में एक ही वस्तु है, प्रभु का नाम, प्रभु का गुण। और हमारे यहां तो देखा जाए तो श्री सेवक जी महाराज आचार्य हैं, उन्होंने मार्ग ही यही दिया, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम और वाणी, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम।
आज की वार्ता यही, श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को।